हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है। प्रकृति का शोषण करने का अधिकार नहीं है। दुनिया में प्रकृति का शोषण ये प्रवृत्ति है, भारत में प्रकृति का दोहन ये संस्कार। पर्यावरण का संरक्षण हमारे संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से एक है। जिस धरती से हमें अपने जीवन यापन के लिए इतना कुछ मिलता है, उस धरती और उस पर रहने वाले अन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए हमें लगातार प्रयत्नशील रहना होगा। ये मौलिक दायित्व का हिस्सा है क्योंकि आने वाली कई पीढ़ियां इनसे प्रभावित होंगी। नागरिकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करें। प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। संविधान के तहत वन्य जीव संरक्षण कानून 1972, जहां एक ओर वन्य जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वहीं वन संरक्षण कानून 1980 जंगलों को कटने से बचाने के लिए है। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए फैसलों को लागू करना है। ये कानून प्रकृति में संतुलन साधने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और मनुष्यों एवं अन्य जीवों, पेड़ पौधों तथा संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। आइए हम सब अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार बने। साथ आए, कर्तव्य निभाएं।